फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए है। आपको पता है, अभी मैं डेली जूम कॉल कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने हमारा कोई कोर्स ज्वाइन किया है या फिर हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया पर 2022 की तैयारी कर रहे हैं। एक सवाल रेगुलरली आता है, 11th अच्छी तरह नहीं हुई, क्या चांस है मेरे 2022 क्रैक करने के जब एक साल से भी कम बचा है? ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, क्लियरली समझ लीजिए। ये जो जूम कॉल में जो क्वेश्चन आ रहा है, आप सारे लोग इससे स्ट्रगल कर रहे होंगे। आपने सुना होगा कि यदि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए तो 11th के शुरू से तैयारी करनी पड़ती है। रियलिटी एक ये भी है कि ज्यादातर बच्चे 11th में अच्छी तरह नहीं पढ़ पाए। आप एक कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, यदि सारे बच्चों को सेम प्रॉब्लम हुई तो उसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक नजरिया ऐसे सोच लीजिए तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, सिर्फ मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम थी। दूसरी चीज ये सोच लीजिए, यदि आप अभी से तैयारी नहीं करते, आप सोचते हैं कि 2022 में बोर्ड एग्जाम लिख लूंगा, उसके बाद 2023 की तैयारी करूंगा। बोर्ड एग्जाम के बाद 2023 के लिए आपके पास जितना टाइम बचेगा उतना ही टाइम अभी आपके पास अब से लेके नीट 2022 तक है, तो अभी तैयारी कर लेते हैं, क्यों वेट करें? मैं आपको स्ट्रांगली 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 ये रेकमेंड करना चाहता हूं, आप अभी से तैयारी करिए। 96 चैप्टर्स हैं, 52 वीक्स बचे हैं, हर हफ्ते दो चैप्टर, दो हफ्ते में चार चैप्टर आराम से कर सकते हैं। अपना टारगेट सेट करिए, और बल्कि अभी छुट्टियां हो गई हैं ज्यादातर जगहों पे, अभी स्कूल भी नहीं हो रहे, दो हफ्ते में पांच चैप्टर भी कर सकते हैं। अगले 2-2.5 महीने, दो दो हफ्ते में पांचवा चैप्टर करके निकाल जाइए, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। इन पांच में से तीन चैप्टर 12th के रख लीजिए और दो चैप्टर अपने 11th के रख लीजिए। एक और चीज मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहूंगा, कोई भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, अपने आप तैयारी करना चालू मत करिए। एक ग्रुप में रहेंगे, कोर्स का पार्ट रहेंगे, डिसिप्लिन बना रहेगा। हम अपनी तरफ से ये कर रहे हैं, मैं डेली 3 बजे बच्चों के साथ जूम कॉल करता हूँ। आपने हमारा कोर्स लिया है या नहीं लिया, आप वो जूम कॉल अटेंड कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी तैयारी को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, क्या चैप्टर कंप्लीशन रेट होना चाहिए, क्या आपका डेली टाइम टेबल होना चाहिए, और जब आप टारगेट सेट करेंगे तो कौन से चैप्टर लें, क्या ब्रेकअप हो 11th और 12th का। यदि आप मेरे साथ जूम कॉल अटेंड करना चाहते हैं, कुंदन का नंबर है, हम मेरे कलीग हैं कुंदन, उनका नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज कर दीजिए और आपसे जूम कॉल का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। मैं अपनी तरफ से, मैं भी अभी घर में अटका हुआ हूं, तो मैं अपनी तरफ से ये करूंगा, 3 से 4 मैं डेली जूम कॉल करूंगा। और एक जूम कॉल ऐसा मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में। पर बच्चों, अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए, देरी नहीं हुई है, सबको प्रॉब्लम हुई थी क्लास 11th में, अभी आपके पास एक साल है, वेस्ट मत करिए, पूरी कोशिश करिए, अच्छा चांस है अभी भी नीट क्रैक करने का। ठीक है बच्चों?